नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज शुगामा की आवाज। सुखदेव सिंह की हत्या का बदला हत्या से लेगी करनी सेना। राजस्थान में हुई राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या को लेकर राजपूत समाज में रोष देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जनपद मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर प्रताप सिंह के नेतृत्व में ठाकुर समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें गोगामड़ी की हत्या का खुलासा करने और आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। इस दौरान राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर प्रताप सिंह ने चेतावनी दी कि यदि राजस्थान सरकार ने सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या के मामले में ठोस कदम नहीं उठाया तो वो भी गोगामड़ी की हत्या का बदला हत्या से लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कानून का सम्मान हम उसी दशा में करेंगे जब तक मामले में कार्रवाई हो रही हो। सुखबीर सिंह जी की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है घर में घुस के, उसके जो आक्रोशित होकर सभी लोग, सभी बिरादरी के हैं, ऐसा नहीं है कि सभी से है, और ये घर में घुसकर जो हत्यारे हैं उन्हें पकड़वाने के लिए, उन्हें फांसी की सजा देने के लिए हमें 48 घंटे का आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से। अगर सरकार इसमें संज्ञान नहीं लेती है तो हम इस पे जो हमारे पास जो भी मापदंड है, जिस तरीके से भी हम हत्यारों को सजा दे सकते हैं, हम भीड़ इकट्ठा करेंगे, रोड जाम करेंगे किसी भी तरीके से। फिर प्रशासन हमारे कोई ऐसे उसका जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि अगर हत्यारों को 24 घंटे या 48 घंटे का जो आश्वासन दिया है उसमें सज़ा नहीं मिलती है, उसके बाद हम अपने हथियार जिस तरीके से भी है हम सड़कों पर आएंगे और जाम करेंगे। जो भी होगा प्रशासन से ही उम्मीद है कि 48 घंटे के अंदर उन्हें जो है सुखबीर जी को न्याय देंगे और हत्यारों को सलाखों के अंदर या फांसी की सज़ा उन्हें देंगे या एनकाउंटर करें, कुछ भी करें। हमें केंद्र सरकार से यही अनुरोध है कि इन हथियारों को जल्द से जल्द पकड़वाया जाए। मेरा नाम जयप्रकाश राणा, डीएम कार्यालय पाए थे। हमारे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कत्ल हो गया है राजस्थान में, उसके बारे में विज्ञापन देने के लिए आए थे। बड़ी दुखद घटना हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे शेर थे, हमारी बिरादरी के सरताज थे, उनका कत्ल घर में जाके कत्ल हुआ है। उन्होंने कई बार सुरक्षा के लिए आवेदन किया, कोई सुरक्षा नहीं दी सरकार ने, वहाँ पे कांग्रेस सरकार थी, अब तो बीजेपी आ रही है। हम सब के सब राजपूत समाज के लोग इकट्ठे हुए थे, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि उनके हत्यारों को सजा दी जाए और इस केस का पर्दाफाश किया जाए। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कत्ल होना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और हमारी बिरादरी के लिए तो इतनी बड़ी बात है कि हम कह नहीं सकते। हमारे घर में, राजपूत के घर में आज किसी के यहाँ राष्ट्रीय चूल्हा नहीं चला है, समझ गए, नहीं चूल्हा नहीं, किसी ने भोजन नहीं किया है। सब माताएं बहनें हमारी भूखी बैठी हैं, हमें बड़ा दुख है। अगर इसका खुलासा नहीं हुआ तो जो भी आंदोलन होगा उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, सरकार को इसका जिम्मेदार सरकार होगी, सरकार को ही ये निर्णय करना है। हम लोग तो तन मन धन सबके सब अपनी जान को जोखिम में डालकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे अगर हमें न्याय नहीं मिला। देखो हत्यारे तो हत्यारे होते हैं, उनकी कोई जाति बिरादरी नहीं होती, ये तो हमें पता नहीं है, वो तो राजस्थान का पता मामला है। फिर हम ये कहते हैं कि न्याय होना चाहिए, और न्याय नहीं होना चाहिए। देश कहीं का देश आज़ाद है, कहीं का लोकतंत्र है? अरे अंग्रेजों का जमाना था, कोई ठीक था चलते तो, अगर घर में हत्या हो रही है तो कोई लोकतंत्र नहीं मानते हम। अरे हमारा उत्तर प्रदेश है, शांति है, हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसा कर रखा है कि पूछो मत, कोई क्राइम तो बताए, सारा क्राइम बंद है। अगर राजस्थान में ऐसा क्राइम है तो राजस्थान सरकार को कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है सरकार चलाने का, शासन में बैठने का। पूरी उम्मीद है भाजपा सरकार बिल्कुल न्याय दिलवाएगी, पूरी उम्मीद है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार, भाजपा सरकार बहुत अच्छी सरकार है, गुंडों का इलाज करती है, हमारे यहाँ गुंडों का इलाज कर रखा है, आपको सबको पता है, चैनल के माध्यम जितने भाई हैं आपको सबको पता है। कोई गुंडा है इलाके में, प्रदेश में कोई चमकता है क्या? कोई गुंडागर्दी होती है क्या? नहीं, एक एक छोटे भैया नेता के साथ चार चार दस दस बंदूकें रहती थी, आज सब बंदूकें बंद हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है। शासन हो तो ऐसा हो जैसा, सरकार की लापरवाही और किसकी लापरवाही है? सरकार की लापरवाही है, उनको सुरक्षा देनी चाहिए थी, छोटे छोटे नेताओं को सुरक्षा दे रखी है, छोटे भैया नेता गनर लिए घूम रहे हैं, उनके पास सुरक्षा नहीं थी, ये है। और बताइए,